नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नितिन ओदरकर के ऊपर। बहुत दिनों से हम लोग मिले नहीं थे, आज हम मिले हैं और हम जिस चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं आज, वो है जीरो स्पोर थ्योरी। जीरो स्पोर थ्योरी यानी फंगस के जो बीजाणु आते हैं उसको स्पोर बोला जाता है, और बारिश के वक्त में जीरो स्पोर थ्योरी बहुत काम करती है। जैसे अगर हमारे प्लॉट में स्पोर्स नहीं होंगे फंगस के, तो निश्चित रूप में हमारे प्लॉट में जो माल बनेगा वो पूरा के पूरा फंगस फ्री बनेगा। मैं अभी ये देखिए, मैं अभी बारिश में हूँ, पूरा बारिश चल रहा है महाराष्ट्र में, रेड अलर्ट है। और माल देखिए, फल के ऊपर एक स्पॉट नहीं है। ये होता है ज़ीरो स्पोर थ्योरी, यानी एक भी बीजाणु प्लॉट में नहीं रहना चाहिए। अब ये ज़ीरो स्पोर थ्योरी के लिए हमें क्या करने का है, उसके लिए मैं एक छोटा ट्रेनिंग सेशन अभी किसानों के लिए रखने वाला हूँ शुरुआत में। और ये जीरो स्पोर थ्योरी जब चलती है तो आपको कम से कम फंजीसाइड्स का यूज होता है। अगर प्लॉट में बीजाणु ही नहीं होंगे तो निश्चित रूप में हमारे प्लॉट में कोई फंगस का अटैक नहीं होगा, होगा तो बहुत मामूली स्तर पर होगा। और ऐसे में जीरो स्पोर थ्योरी जो होती है, इसकी वजह से आपका फंजीसाइड का जो खर्चा है वो भी बहुत कम हो जाएगा। अननेसेसरी किसान भाई बहुत ज़्यादा फ़ोन करते हैं बारिश के सीज़न में कि कौन सा शेड्यूल इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से फंजीसाइड इस्तेमाल करने चाहिए हमने, और कौन से फंजीसाइड इस्तेमाल करने चाहिए। ये हमेशा क्वेश्चंस फेसबुक के ऊपर आते रहते हैं हमारे पास। पर अनार जो फसल है, अनार के फसल में ऐसी कोई थ्योरी है ही नहीं जी कि भाई शेड्यूल ही नहीं है। आपको सिम्टोमेटिक क्लाइमेट को ध्यान में रख के, सॉइल मॉइस्चर को ध्यान में रख के 5 से 10 दिन के भीतर कोई भी फंजीसाइड का स्प्रे नहीं है। हमने सिर्फ जीरो स्पोर थ्योरी का इस्तेमाल किया है। वो थ्योरी क्या है, वो आने वाले वक्त में जो भी ट्रेनिंग सेशन चलेंगे उसमें मैं आपको सबको ट्रेनिंग दूंगा, सिखाऊंगा किस प्रकार से हमें काम करना है कि हमारा जो खर्चा है अननेसेसरी खर्चा वो भी कम होना चाहिए, और लागत मूल्य, कम लागत मूल्य में हम अच्छी से अच्छी फसल कैसे लेंगे। तो इतना काफ़ी है आज की वीडियो में, जल्दी मैं आपसे मिलूँगा। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन मित्रों ने नहीं किया है वो भी कर दीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया उन्होंने लाइक भी कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये जो जीरो स्पोर थ्योरी है, इसका ट्रेनिंग का शेड्यूल सब कुछ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से हमें उसमें काम करना है, और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, बाय बाय।